जय माता की। और देखिए सुबह से 4:30 बजे से हम लोग जग करके, और ये बामी की मिट्टी है, सो बामी की मिट्टी मतलब हम लोगों ने सान सुन के सही कर लिया। और देखिए मूर्ति बन रही हैं, सो 108 काट काट के, और सब लोग मतलब गोलियां बना करके और ऐसे ही मूर्ति बना के चावल लगा करके सब थाली में रख रहे हैं। और गांव के सब कितने सारे लोग आ गए, सुबह से ही दादू भैया फ़ोन करके सबको मतलब बुला लिए, और पंडित जी लोग भी बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पंडित जी को भी दिखा रहे हैं कि पूजा कुछ मतलब मूर्तियाँ बन भी रही हैं और कुछ बन के तैयार हो गई, तो पंडित जी के पास भी पहुँच गई हैं और पंडित जी भी अपना पूजा पाठ और सब तैयारियाँ शुरू हैं। और ये सब सुबह सुबह का, क्योंकि 9 या 10 बजे की तक में मूर्ति बन जाना चाहिए, तो 10:30 बजे से पूजा शुरू हो जाती है। तो सब लोग लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा हम ही को परिश्रम करना पड़ता है, किस तरह हम रात में ही अपनी वीडियो एडिटिंग करते हैं कि सर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फिर भी थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना ही पड़ता है। तो अब पंडित जी देखिए बेलपत्र तोड़ करके आ गए, धुल करके, और इसको इसके ऊपर की जो लकड़ी है उसको तोड़ तोड़ करके जो निर्चा होता है ना बेलपत्र में, उसको अलग कर रहे हैं और सीताराम लिखा जाएगा। यहाँ भाभी लोग आ गए, ये देखिए हमारी बड़ी भाभी हीरू भैया और दादू भैया सब लोग बैठ गए, और पंडित जी मतलब टीका भी कर रहे हैं और जल छिड़क रहे हैं, और हमारे बड़े वाले भैया भी आ गए। तो बड़े वाले भैया ना हमारे पूरा टाइम दे रहे हैं, अब तो कल इनको लखनऊ जाना पड़ेगा क्योंकि हफ्ते में इनकी 2 डायलिसिस होती है, वो तो मैंने आप लोगों से बताया ही है। तो बेचारे कल चले जाएंगे, अब सैटरडे को संडे तक ही आना इनका हो पाएगा, और वैसे तो पूजा 11 दिन की ही है मतलब, और बहुत विशेष रुद्राभिषेक है आज, आज गाय के दूध से ही रुद्राभिषेक है। तो मतलब इतनी मूर्ति बन गई, और जो रुद्राभिषेक मतलब गाय के दूध से होगा वो पारा के शंकर जी मतलब अलग से रखे जाएंगे, तो उसी में होगा। अब चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं और मिलते हैं। ये खाली हो गए, 10:30 बज रहे हैं और आज अभी हम पूजा में नहीं पहुंच पाए क्योंकि इतनी मूर्ति बनी, आज 12,000 मूर्ति बनी है, और सब गांव के सब छोटे छोटे बच्चे आ गए थे, लोगों ने सबने मूर्ति बनवाया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं पंडितों को नाश्ता लगवाने, इसके बाद फिर मैं और बिट्टू भी, देखिए बिट्टू खड़ी हुई है, बिट्टू दिख नहीं रही, बिट्टू छुप रही है, तो बिट्टू को बाद में दिखाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है ना, आज बहुत ही सुबह से बारिश हो रही है। तो मैं अब अभी आपसे बात नहीं करती हूँ, नाश्ता लगवाने के बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और ये देखिए फलहार में सुबह सुबह से एक बार तो काजू और उस सब चीज़ों का नाश्ता हो गया पंडित जी का, लेकिन ये देखिए पकौड़ी बनी हुई है, कुटू की आटे की पकौड़ी बनी है बिना नमक की, तो सब लोगों को मतलब फलहार है लग रहा है। तो ये अभी 10:30 बजे का फलहार है, इसके बाद 2:30 बजे एक बार होगा फलहार, फिर इसके बाद 9:30 बजे ही खाना खाते हैं रात में। तो सब लोग लगे हैं क्योंकि अभी अभी हम लोग पूजा से आए हैं ना, तो सब लोग इतनी हड़बड़ी मची हुई है, पंडित जी बैठ भी गए क्योंकि तुरंत नाश्ता करेंगे और तुरंत इसके बाद फिर पूजा में बैठ जाएंगे, तो तुरंत सबको लगना पड़ता है जल्दी जल्दी दिमाग, और इतनी हड़बड़ी में। और आप लोग भी सारे मंत्रों का आनंद लीजिए, देखिए गाय के दूध से ही रुद्राभिषेक हो रहा है, तो 15-20 किलो गाय का दूध इकट्ठा किया गया। और देखिए जो सब बगल में रखे हैं ये सब मूर्ति बनाई गई है, आज 12,000 मूर्ति बनी है। तो सुबह 9:30 बजे मूर्ति सब, अभी मयंक भैया बैठे हुए हैं मेरे भतीजे और भैया जी, भैया जी तो बहुत टाइम दे रहे हैं, देखिए इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी पूरा पूरा टाइम देते हैं, पूरा 9 घंटे रुद्राभिषेक चलता है और 8:30 बजे तक ये पूजा होती है, इसके बाद फिर आरती होती है। तो बहुत ही आनंद, और आप लोग भी मतलब आनंद लीजिए और इसको शेयर करिए सब लोग, आप भी मतलब पूरा पूरा आनंद लीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में जितना ही पूजा पाठ और ये सब, मैं कभी कभी सोचती हूँ ना पूरा रुद्राभिषेक के मंत्र जितने भी हैं रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को डालूं, लेकिन बहुत ही काफ़ी लंबा मेरा ब्लॉक हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कर पाती। और देखिए कमल के, आज की विशेष पूजा थी, सब जितनी मूर्ति बनी है सब में कमल का फूल चढ़ा हुआ है, तो कमल का फूल भगवान को बहुत ही पसंद है शंकर जी को, तो देखिए सब में कमल का फूल रखा गया इसीलिए विशेष है। अब कल की अभी तो नहीं, पंडित जी ने बताया कि कल की किस चीज की मतलब रुद्राभिषेक है। 2 बज गए, अब जा रहे हैं पंडित जी उन लोगों को फलाहार करने। देखिए डॉगी नहा रहा है, ये बुधराज भैया डॉगी को नहला रहे हैं, ये देखिए डॉगी नहा रहा है।
और ये देखिए दोपहर का 2:30 बजे का साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो गई और लौकी की सब्जी। सो पंडित और सब लोग, जितने हम लोग फरहारी हैं, सब लोग इसी का प्रसाद पाएंगे। इसके बाद 9 बजे ही मतलब खाना, और दोपहर में जो लोग मतलब फरहारी नहीं करते उन लोगों के लिए देखिए पूरी सब्जी तैयार हो रहा है। 2:30 बज रहे हैं, हम आ गए किचन में और पंडित जी के लिए अब लगने जा रहा है फलाहार। तो फलाहार में तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दिखा ही दिया कि क्या बना हुआ है। अब जब थाली में लगाती हूँ ना तब दिखाती हूँ। और देखिए भाभी भी आ गई, मतलब भाभी तो कुछ भी नहीं खा रही हैं, पूरा दिन सिर्फ चाय पानी में ही रहती है और ये कुछ भी नहीं खाती। भैया ये तो बहुत ही महान है, पता नहीं इनका ऑटोमेटिक ही पेट भर जाता है। ये कुछ खाती भी नहीं, पूरा दिन ऐसे ही चलती हैं। सुबह सिर्फ इन्होंने थोड़ी सी वही चाय लिया और 4:30 बजे से फिर पूजा में बैठ जाएंगी और फिर 8:30 बजे ही पूजा से खाली होंगी। तब आरती पूजा जब हो जाएगी तभी खाली होंगी और पूरा दिन पता नहीं ऐसे ही चले। भोले बाबा इन पे बहुत ही प्रसन्न है कि ये सिर्फ हवा में चल रही हैं। तो वैसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है पूजा पाठ में। अब ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि पंडित जी बाहर बैठ गए हैं, मुझे फटाफट थाली में उनके लिए फलाहार लगाना है। और वैसे हम लोगों का भी सबका व्रत ही चल रहा है, शाम को हम लोग भी सभी खाना खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और शंकर जी की, और देखिए यहाँ तो किचन में ना सब मेरे भाभी के देखिए चूल्हा वगैरह सब बना हुआ है। गाँव का नजारा ना बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट खाना फलाहार लगाने। ये देखिए पंडितों के लिए 2:30 बजे का फलाहार मतलब रेडी हो गए, लौकी की सब्जी और साबूदाने की खिचड़ी। और पंडित जी लोग खा भी रहे हैं भोग लगा करके और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सब लोग मतलब बैठ गए हैं प्रसाद पाने के लिए। और प्रसाद के बाद ना ये लोग 9 ही बजे खाना खाते हैं। और मकान से लगा हुआ देखिए भगवान का बगीचा जहाँ पूजा हो रही है। तो अब मैं आ गई अंदर और ये हमारे मयंक भैया बैठे हुए हैं, मेरे भतीजे और हीरो, और आगे हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए मंदिर, शंकर जी का मंदिर है और कुआं। और अब हम आए हैं थोड़ा सा इंद्रेश भैया के घर, थोड़ा चाची की तबीयत हमारी खराब थी तो चाची से मिलने जा रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए इंद्रेश भैया की गाड़ी और कितना अच्छा गार्डन है ये गेट। सो इंद्रेश भैया का है मतलब मेरे चाचा जी का मकान। तो ये देखिए भी ऊपर का, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं अब जा रही हूँ अंदर, थोड़ा सा चाची से मिलने जा रही हूँ। लोगों को अपनी चाची से। ये देखे हमारी माँ तो नहीं है लेकिन माँ की तरह हमारी चाची भी है। हम बचपन से चाची के पास रहते थे और चाची की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए चाची पूजा में भी नहीं जा पाती हैं। तो हमने सोचा चाची क्यों नहीं आती पूजा में, तो हमको पता चला कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। कल भी चाची बांदा गई थी दिखाने डॉक्टर को, तो आज हम आए हैं चाची से मिलने। तो आप लोगों को भी मिला रही हूँ और भाभी भी आई हुई हैं, बड़ी भाभी जिनको हमने कल मिलाया था अपनी बड़ी भाभी को, तो भाभी भी साथ में आई हैं। अब 4:30 बजे से पूजा बैठ जाना है तो हम लोगों को जल्दी वहां जाना भी है क्योंकि रुद्राभिषेक ना 8:30 बजे तक चलता है शाम को। तो अभी अभी हम लोग थोड़ा सा खाली हुए ना पंडितों को फलाहार कराने के बाद, तो हमने कहा चाची से मिल लेते हैं फिर अब जाते हैं पूजा में। और हमारी चाची बहुत ही अच्छी है और बहुत मोटी थी पता है, 1.5 क्विंटल की थी हमारी चाची। अब तो काफी दुबली हो गई, तबीयत ठीक नहीं ना। नहीं मेरी हमारी माँ भी 1.5 क्विंटल की थी और हमारी चाची भी 1.5 क्विंटल की थी। जब एक बात बताया आप लोगों से आज मुझे याद आ गया, जब कभी कभी वो ऑटो निकल के जाती थी ना, इन लोगों को कभी कमासिन जाना पड़ता था तो ऑटो वाला इन लोगों को दोनों को देख करके ना बैठाता नहीं था, बोले आप लोग ना 2 लोग हो लेकिन 4 लोगों की जगह ले लोगे। तो जब चाची छुप जाती थी, चाची अम्मा को क्या बोलती थी, जिज्जी कह रही थी, जिज्जी आप खड़ी रहिए ऑटो रुकाइए और मैं छुप जाती हूँ। तो जैसे ही चाची छुप जाती थी तो ऑटो वाला रोक देता था और फिर चाची निकल आती थी तो फिर दोनों लोग बैठ जाते थे। तो चाची हमारी बहुत ही होशियार थी। चाची का मायका पता है कहाँ है, कमासीन। तो अब हम जा रहे हैं पूजा में, नहीं तो वहां देर हो जाएगी, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। आप लोगों को हमने चाची से और भाभी से तो कल मिला ही दिया था। ये देखिए चाची बैठी हुई हैं, कोई मिलने वाले आए हुए हैं, और ये हमारे छोटे वाले चाचा जी। हम जा रहे हैं घर और सुमन हमारी बहन है सुमन, तो हम ये इसको भी कह रहे हैं कि चलो पूजा में, तो करे अभी नहीं जाऊंगी, बेटा सो रहा है सब उसको लेकर के आऊंगी। अब हम चल रहे हैं पूजा में।
बिट्टू कहाँ जा रही हैं और भाभी बैठी हुई हैं और बड़ी भाभी बैठी हुई हैं, सब लोग कैसे ही, मतलब ये लोग भी फलहार करके और सब बैठी हुई। और भैया जी देखिए चाय भी तैयार कर लिए हैं, दोपहर में भी पंडित जी को चाय लगती है। और बिट्टू की कितनी खूबसूरत नेल पॉलिश लगी हुई है, वाह, बिट्टू ने रेड कलर की आज पॉलिश लगा रखी है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मुझे ना तो ग्रीन ही नेल पॉलिश, तो ये देखिए मेरी ग्रीन लगी हुई है। तो अब चलिए आगे मिलते हैं आपसे। आने वाले भैया जी देखिए काम में लग गए, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए शाम की खाना की तैयारी भैया जी की शुरू हो गई। सो हम लोग तो जा रहे हैं पूजा में, लेकिन कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे भैया जी, शाम की खाना की तैयारी शुरू हो गई। और बिट्टू भी बैठी हुई है, बिट्टू की नेल पॉलिश लग गई। अब बिट्टू को पता नहीं है कि बिट्टू की हमने वीडियो भी बना लिया है, बिट्टू नेल पॉलिश लगा करके और जा रही है। अब शाम को मिलते हैं आपसे। ये बिट्टू हमको छोड़ के आगे आगे जा रही है पूजा में, देखिए। और वो हमारे भैया जी बैठे हुए हैं, सो कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। और ये देखिए जो गेट दिख रहा है ना सामने, ये एकदम से बाहर का गेट है। तो इस मकान में ना पूरे पूरे 5 गेट हैं। और ये देखिए भगवान का मंदिर, सो बहुत ही अच्छा लगता है। और पूजा में आ गई और ऐसे लगता है ना स्वर्ग धाम में पहुंच गए, तो लगता है ना। और अभी जल्दी जल्दी ये टाइम आ रहा है कि पूरे 11 दिन पूरे हो जाएंगे, तो लगता है थोड़ा लेट में आए इस समय, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देखिए हम सब लोग बैठे हुए रुद्राभिषेक में, पंडित जी, और आज दूध का तो रुद्राभिषेक है ही है। तो अब आगे हम आपको दिखाते हैं, और सब लोग बैठ गए हैं, पूरी फैमिली। वैसे तो पूरी फैमिली नहीं आ पाई, सब और लोग अतर्रा में हैं। दूध का रुद्राभिषेक हो गया, अब देखिए जल वाला हो रहा है। और शाम का देखिए खाना पंडित जी लोगों के लिए, सब लोगों के लिए रेडी हो रहा है। सो पूड़ी, खीर, सब्जी, चटनी सब बन गया। और मैं यहीं से अपने वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। जय माता की।